प्रदेश में बेमौसम बरसात से किसानों की गेहूं की फसल गिर गई है। आसमानी पानी से किसानों की आंखों में भी पानी आ गया है। फसल की 25 से 30 दिन बाद कटाई थी, लेकिन उससे पहले गिरी फसल से किसानों को नुकसान झेलना पड़ेगा। बेमौसम बारिश ने किसानों के होली के त्योहार के रंग को फीका कर दिया है। इस बारिश के बाद किसान खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि जो फसल 25 से 30 दिन के बाद कटनी थी वो बर्बाद हो चुकी है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है, कई ओलावृष्टि हो रही है, कई तेज हवाएं चल रही है, जिसके चलते जो गेहूं की फसल है वो गिर गई है। फसल गिरने के बाद प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि पानी सिर्फ आसमान से नहीं गिरा बल्कि किसानों की आंखों से भी गिरा है। पूरे प्रदेश में गेहूं, चना, सरसों और बाकी रबी की फसलों को भी नुकसान हुआ है। करनाल में पिछले 3 दिनों से जमकर बारिश हुई, जिसके चलते किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई है। ये फसल 25 दिन तक कटनी थी, लेकिन बेमौसम बरसात की वजह से सब गिर गई। अब किसानों को सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ उन्हें राहत देगी, गिरी हुई फसल की गिरदावरी करवाएगी और फिर उन्हें मुआवजा देगी। वहीं करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में हुआ है जहां ओलावृष्टि हुई है। खासकर सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल को हुआ है। उन्होंने बताया कि रोहतक और रेवाड़ी में ओलावृष्टि का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है। वहीं करनाल में किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि यहां हुई बारिश और तेज हवाओं से महज 5% तक नुकसान की संभावना है। उन्होंने बताया कि किसानों को सरकार की फसल बीमा योजना स्कीम लेनी चाहिए, जिससे अगर उन्हें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो सके। कल जो बरसात हुई है, कल शाम को जो बरसात हुई है, लगभग 5 बजे से पहले शुरू हो गई थी और 7 बजे तक पूरी मूसलाधार बरसात हुई और साथ में तेज हवाएं चली, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जिनकी भी फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित उसका मुआवजा दिया जाए। 3 दिन से जैसे बारिश और कई जगह हरियाणा में ओलावृष्टि हुई है, तो फसल काफ़ी बिछ गई है, तो कितना नुकसान है किसानों को, क्या संदेश देना चाहिए? ओलावृष्टि से तो थोड़ा नुकसान होने की संभावना है, गिरने से भी थोड़ा नुकसान हो सकता है 5% आप ऐसा मान के चलिए, क्योंकि जो फसल गिरी है वो मौसम साफ होने पे दोबारा उठ जाएगी थोड़ा सा, उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ ओलावृष्टि हुई है, जहाँ ओले गिरे हैं, वहाँ गेहूँ में थोड़ा नुकसान है, सरसों में काफ़ी नुकसान है, नुकसान तो है। ये तो मौसम है, कुदरत है, इसके आगे किसी को कोई। आपने करनाल की स्थिति को जांचा होगा, समझा होगा, मौसम के हिसाब से क्या आंकलन निकल कर आ रहा है, कितना नुकसान करनाल पूरे जिले के अंदर? करनाल में तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा नुकसान रोहतक, रेवाड़ी, ये दो डिस्ट्रिक्ट में जैसा रिपोर्ट है, और जहाँ ओला गिरा है थोड़ा, यमुनानगर में भी कुछ हिस्से में ओला गिरा है, तो वहाँ भी नुकसान है। बाकी रिपोर्ट्स तो अभी आएंगी, अभी तो आज भी प्रेडिक्शन है बारिश का, तो देखते हैं। सर, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन और बारिश हो सकती है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, ओले गिरने पर जरूर नुकसान होगा। बारिश तो अब फसल जहाँ गिर गई है वहाँ 5% जैसा मैंने कहा नुकसान हो सकता है, लेकिन वैसे फसल बहुत अच्छी है, ओवरऑल अगर देखेंगे तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओला गिरने की स्थिति में निश्चित तौर पे थोड़ा नुकसान होगा। तो सर, किसानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आप जैसे खेतों में पानी को नहीं खड़ा हो? पानी तो निकालना पड़ेगा, एक बात तो ये बहुत जरूरी है, पानी निकालना पड़ेगा। दूसरा, बार बार सरकार के द्वारा भी किसानों को बताया जाता है कि फसल बीमा योजना लेनी चाहिए, प्रीमियम भी कम था, बहुत से इलाकों में किसानों ने ली है। ये जो मौसमी मार है उसमें ये स्कीम गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी थी, जिससे उनके नुकसान की भरपाई हो सकती थी, तो जिन किसानों ने लिया होगा उसको निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा। बाकी जो रिपोर्ट आएगी आप भेजेंगे ऊपर? बिल्कुल, वो तो मंत्रालय से, कृषि मंत्रालय से सर्वेक्षण कराया जाएगा निश्चित ही, और उसका जो भी रिपोर्ट होगा वो हम देंगे, उसके आधार पर आकलन होगा। और हम ही नहीं देंगे, राज्य सरकार का भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में खास तौर से प्रॉब्लम है, पंजाब में अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि वहाँ पे नुकसान हुआ हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.